क्या कभी आपने सुना है कि दुनिया में कोई ऐसा भी एलिमेंट होता है जिसे जब ठंडा किया जाए तो वो एक्सपेंड हो जाए, मतलब फैल जाए? या कभी आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई आदमी है जिसका खून रेड ना होकर के ग्रीन कलर का है? तो ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो गाइज, मैं हूँ आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। तो ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है कि जो हमारा शरीर है वो रेडियो एक्टिव होता है? मतलब जैसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसी की तरह से हमारा शरीर भी रेडियो एक्टिव होता है। हमारे शरीर से भी रेडिएशन निकलती रहती है हर वक्त, जैसे किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती रहती है। लेकिन हमारे शरीर से जो रेडिएशन निकलती है उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है, इतनी कम कि उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल आपके आसपास रखा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, वो हमारी जान तक ले सकता है, इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन हमारे अपने शरीर से जो रेडिएशन निकलती है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। और इसके पीछे एक लॉ है फिज़िक्स का, जो कि ये कहता है कोई भी बॉडी जब हीट प्रोड्यूस करती है तो उसके अंदर से रेडिएशन ज़रूर प्रोड्यूस होगी, जिस कारण से हमारी बॉडी जो है वो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है और हम भी एक तरह से रेडियो एक्टिव मटीरियल है। फैक्ट नंबर टू, ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में कई तरह की बियर्स वाइन्स मिलती हैं, यानी शराब मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बियर कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्नेक्स वेनम नाम की एक बियर है जो कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट बियर मानी जाती है। और इसके पीछे कारण ये है कि इस बियर में 67.5% तक अल्कोहल होता है, लेकिन जो एवरेज बियर वगैरह होती हैं जैसे वोडका, विस्की, इन सब में सिर्फ 40% तक, यानी 40% तक ही अल्कोहल डाला जाता है। इतना ज़्यादा अल्कोहल इस बियर में मिलता है, जिस कारण से इसको पीना किसी एवरेज अल्कोहलिक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होगा, क्योंकि ये उनके लिए घातक भी साबित हो सकता है। इसी कारण से वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट बियर के नाम से जानी जाती है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि अगर जर्मनी में कोई क्रिमिनल जेल से भागने की कोशिश करे तो उसके लिए कोई फर्दर पनिशमेंट नहीं होगी, मतलब जिस चीज़ के लिए उसे पनिशमेंट दी गई है उसके अलावा उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अगर वो जेल से भागने की कोशिश करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट मानती है कि ये इंसान का नेचर है कि वो फ्री होना चाहता है। लेकिन वहाँ पर किसी को जेल से भगाने की कोशिश करना या उसकी मदद करना, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ी सजा है। अगर आप जेल से भागने में सक्षम रहे और आपने उसके अलावा कोई क्राइम किया तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन जेल से भागने के लिए आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर आप जर्मनी में एक कल्प्रिट हैं, यानी जर्मनी की किसी जेल में आप बंद हैं। तो क्या ये फैक्ट आपको आज तक पता था जर्मनी के बारे में? फैक्ट नंबर फोर, ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में हर एलिमेंट को जब गर्म किया जाता है तो वो फैलता है, यानी वो एक्सपेंड होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जिसे जब ठंडा किया जाए तब भी वो फैलता हो? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जब ठंडा किया जाता है तब भी वो फैलते हैं, जैसे कि बिस्मत, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी एंड गैलियम। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जब ठंडे किए जाते हैं तब इनका साइज जो होता है नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है। और बिस्मत तो ऐसा है जिसका क्रिस्टल आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं इसे ठंडा करके, जिसको बनाने के लिए आपको कोई खास इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे घर पर ही बना सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग बात। क्या ये बात आपको साइंस के बारे में आज तक पता थी कि कोई एलिमेंट ठंडा करने पे भी एक्सपेंड हो सकता है? अगर नहीं तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और एक शेयर भी। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है कि किसी कंट्री में एक बार में लगातार 10 दिन के अंदर अंदर 5 बार वहाँ के प्रेसिडेंट को बदल दिया गया था? चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर नहीं पता तो ये कंट्री थी अर्जेंटीना, जहाँ एक बार में ही लगातार 10 दिन के अंदर अंदर वहाँ के प्रेसिडेंट्स को 5 बार बदल दिया गया था। वहाँ 5 नए प्रेसिडेंट्स आए थे 10 दिन के अंदर अंदर। ऐसा होने का पीछे का कारण ये था कि वहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसके कारण वहाँ की जो पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, जिस कारण से जो भी प्रेसिडेंट बन रहा था उसके लिए बहुत खतरा था, मतलब उसकी कुर्सी टिक नहीं पाई, जिस कारण से वहाँ के प्रेसिडेंट्स इतनी फ्रिक्वेंटली, इतनी तेज़ी से वहाँ के प्रेसिडेंट्स बदले गए, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर सिक्स, हाथी
एक ऐसा जानवर है जिसे दुनिया के सबसे भारी जानवरों में गिना जाता है और इसके पास पानी में तैरने की कोई खास क्षमता नहीं है। लेकिन क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि कोई हाथी पानी के ऊपर सर्फिंग कर सके? तो जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, ये हाथी पानी के ऊपर सर्फिंग कर रहा है और ये दुनिया का पहला ऐसा हाथी बना जिसने पानी के ऊपर सर्फिंग की थी। एक्चुअली में ये हाथी नहीं, हथनी है। 1950 में क्वीनी नाम की एक हथनी जो कि अमेरिका के एक सर्कस में काम करती थी, जो जैसा कि हर जानवर अपनी मर्जी से सर्कस में काम नहीं करता, इसको भी जंगल से उठा के लाया गया था और ट्रेन किया गया था। इस हथनी को एक स्टंट दिया गया जिसमें इस हथनी को पानी के ऊपर सर्फिंग करना था और इस हथनी ने पानी के ऊपर जब सर्फिंग की तो दुनिया की ये पहली हथनी बन गई जिसने पानी के ऊपर सर्फिंग की थी और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया था इस हथनी ने। ये बात इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है कि कोई हाथी पानी के ऊपर सर्फिंग कर सकता है। फैक्ट नंबर 7, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस इमेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई डाउट है तो आप कहेंगे कि इस इमेज में ये जो शिप है ये हवा में तैर रही है ना कि पानी के ऊपर, बट एक्चुअली में ये पानी के ऊपर ही तैर रही है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसके कारण हमें ऐसा लग रहा है कि ये शिप हवा में तैर रही है ना कि पानी के ऊपर है। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि रिफ्रैक्शन की प्रोसेस के कारण ये शिप हमें हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। रिफ्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो लाइट रेज बैंड हो जाते हैं, जिसके कारण से हमें ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट हमें सही जगह पर दिखाई देना चाहिए वहाँ ना होकर कहीं और दिखाई दे रहा है। इसी कारण से ये शिप हवा में उड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। जिस बीच पर से ये फोटो ली गई है और जिस जगह पर शिप है, उन दोनों की जो हवा का टेम्परेचर है वो डिफरेंट होने के कारण लाइट इज बैंड हो रही है और ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये हवा में। फैक्ट नंबर 8, अगर मैं आपसे पूछूं कि बारिश के वक्त कभी आपने किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा है तो आप कहेंगे कि मैं क्या पागलों वाली बात कर रहा हूँ, बारिश के वक्त तो सारे पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं और अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा भी पक्षी है जो बारिश के वक्त अपने घोंसले में नहीं जाता और उसके बजाय वो बादलों के ऊपर ही उड़ जाता है जिससे वो अपने आप को बारिश से बचा ले, तो आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? एक्चुअली में ऐसा एक पक्षी होता है, बाज यानी ईगल ऐसा पक्षी है जो बारिश के वक्त अपने घोंसले में ना जाकर बादलों के ऊपर उड़ने लगता है जिससे वो अपने आप को बारिश से बचा पाता है। इसी कारण से जो बाज है उसे ये भी कहा जाता है कि वो आसमान में सबसे ताकतवर पक्षी है और बाज इसी कारण से मेरा पर्सनल फेवरेट भी है कि वो किसी भी मुसीबत का एक अल्टरनेटिव और बढ़िया सा सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। क्या ये फैक्ट आपको आज तक बाज के बारे में पता था? अगर पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नहीं तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 9, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो ये सुना ही होगा कि कछुए का जो शेल यानी पीठ होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और इतनी मजबूत होती है कि अगर उस पर गोली मारी जाए तो गोली उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कछुए को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये झूठी बात है, कछुए को अगर गोली मारी जाएगी उसके शेल पर तो भी वो मर जाएगा। लेकिन ये बात किसी दूसरे एनिमल के ऊपर लागू होती है और उसका नाम है आर्मेडिलो। आर्मेडिलो एक ऐसा जानवर है जिसका शेल दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है। ये इतना हार्ड होता है कि ये बुलेट को रिफ्लेक्ट कर सकता है लेकिन एक कछुआ नहीं कर सकता। आर्मेडिलो के बारे में आज मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको आज तक ना पता हो, और वो फैक्ट ये है कि आर्मेडिलो एक बार में सिर्फ 4 बच्चे पैदा करते हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि वो चारों बच्चों का सेक्स यानी जेंडर सेम होता है। वो चारों बच्चे या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, ऐसा किसी और जानवर में कभी भी नहीं देखा गया है। फैक्ट नंबर 10, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी का ऑपरेशन हो रहा था और जब डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे थे उस वक्त डॉक्टर्स ने उस आदमी का थोड़ा सा ब्लड निकाला और उस ब्लड को देखकर डॉक्टर्स चौंक गए और वो एक तरह से डर गए थे, शॉक में थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस आदमी का जो ब्लड था वो रेड ना होकर के ग्रीन कलर का था, जिस कारण से डॉक्टर्स को थोड़ा शॉक लगा था। फिर डॉक्टर्स ने उस ब्लड को लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया, जहाँ से ये पता चला कि उस आदमी को एक बीमारी है जिसके कारण से उसका जो ब्लड है वो रेड ना हो करके ग्रीन कलर का है और उस बीमारी का नाम बहुत अजीब है, उसका नाम है सेल्फ हेमोग्लोबाइनीमिया। बहुत बड़ा नाम है लेकिन ये बीमारी थी उस आदमी को जिसके कारण से उसका ब्लड रेड ना होकर ग्रीन था। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फिनोमेना देखा गया और बहुत ही कम लोगों में ऐसा देखा गया है कि किसी आदमी का ब्लड जो है वो रेड ना होकर के ग्रीन कलर का है। बाद में उस आदमी का जब ऑपरेशन किया गया तो वो आदमी खुद भी ये जान करके जब होश में आया तो खुद भी ये जान करके चौंक गया था कि उसका ब्लड ग्रीन कलर का है।